जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रियल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, तो ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। जब कोई भी प्लांट सेल लेते हैं हम, ठीक है, वो प्लांट सेल उसके आउटर मोस्ट रीजन पे सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल होने के कारण क्या वो रियल में आउटर मोस्ट बाउंड्री है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है हम पढ़ेंगे। तो सेल वॉल किसी चीज़ की भी बनी हो वो डजेंट मैटर, मटेरियल की किसी भी है, जैसे सेलुलोज की बनी होती है प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइड्रोग्लाइकिन की बनी होती है, ये मैटर नहीं करती है और ना ही ये रियल में बाउंड्री होती है। क्यों है? यदि हम सेल वॉल को रिमूव भी कर देते हैं, सेल वॉल को, तो भी सेल है अपना जो आउटर मोस्ट बाउंड्री के कारण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण वो एग्जिस्टेंस नहीं खोती है, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, उस सेल वॉल बेसिक रिमूव कर दी जाए, ठीक है। यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं और सेल वॉल है, तो फिर इसके कारण अपना एग्जिस्टेंस सेल खो देती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण खो देती है, क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिमूव कर दी। तो इसलिए इसी कारण के कारण ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट रियल में बाउंड्री बोलते हैं, सेल वॉल नहीं होती रियल में बाउंड्री।